एक बार एक संत महात्मा ने अपने दो भगतों नूं अपने कोल बुलाया अते कहा, तुसीं एक पिंड तों दूजे पिंड जाना है। एक भगत नूं एक बोरी खाने अते कपड़ियां दी भर के दे दित्ती अते कहा, जो भी लोड़वंद मिले उहनूं दिंदे जाना। अते एक नूं खाली बोरी दे दित्ती अते कहा, जो रास्ते विच चंगा लगे उनू बोरी च भर के लै आओ। दोवें निकल पए। जिसते मोढ़ियां ते भार सी ओ हौली हौली चल रहा सी, पर खाली बोरी वाला भगत बड़े आराम नाल चल रहा सी। थोड़ी दूर उसनू सोने दी एक इट मिली, उसने बोरी विच पा ली। थोड़ी दूर होर गया, एक इट होर मिली, उसने वह भी उठा ली। जिमें जिमें ओह चलदा रहा, उसनू सोना जां होर चंगीआं चीज़ां मिलदीआं रहीआं अते ओह बोरी च भरदा चलदा गया। बोरी दा वजन वधन करके उसका चलना मुश्किल हो रहा सी अते सांह भी फुलन लग गए। एक एक कदम मुश्किल हुंदा गया। दूसरा भगत जिमें जिमें चलदा रहा, ओह लोड़वंदां नूं समान दिंदा रहा अते उसका वजन भी घट हुंदा गया ते उसका चलना सौखा हुंदा गया। जो वंडदा गया उसका मंजिल तक पहुंचना सौखा हुंदा गया। जो इकट्ठा करदा गया वो रास्ते विच ही दम तोड़ गया। दिल तो सोचियो, असी जिंदगी भर की वंडिया अते की इकट्ठा कीता है, असी मंजिल तक किवें पहुंच पावांगे। दूजियां नूं खुशियां वंडणियां सिख जाओ, मंजिल छेती मिल जाएगी अते रब भी खुश हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।